वेलकम टू माय चैनल माय नेटिंग स्टूडियो। ये देखिए, आज आपके लिए मैं पॉपुलर विंटेज पैटर्न या डिज़ाइन लेके आई हूँ। और ये बॉय के लिए बनाया है, हाफ स्वेटर या हाफ कार्डी कह लें, स्लीवलेस कार्डी कह लें आप इसको। और मैंने ऑफ वाइट और रेड में बनाया है, और ग्रे लाइन जो इसको मैंने स्पोर्टी लुक देने की बनाई है इसको। तो ये वी के लिए बनाया है, इसके हाफ स्लीव्स बनाई हैं। ये देखें बैक साइड से ऐसा है, फ्रंट से ऐसा है ये। और ये जो है ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया है, तो उसको ये जो है वो बहुत अच्छा फिट आ जाएगा। इसको मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स लेके बता देती हूँ आपको मैं। अगर हम इसको शोल्डर से नापें तो ये आता है 15 इंचेज़, यानी 38 cm। और ये देखें कितना आता है, 15 इंचेस। ये देखें 58 इंचेस, यानी 38 cm। और इसकी विड्थ है 12 इंचेस, 11.5 ये 12.5 इंचेस, ठीक है। और उसमें अगर मैं cm में बताऊँ तो ये है 30 cm। तो इसको आप बनाइए। और वेलकम टू माय चैनल नेटिंग स्टूडियो। कैसे हैं आप लोग सारे? उम्मीद है आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और महफूज भी होंगे। चलें आज आपको देखें कि मैं बिल्कुल डिफरेंट सा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। और मैंने ये जो है ये डिज़ाइन जो है ये पैटर्न जो है ये PDF पे भी है मौजूद। और ये मैं अगर आप उर्दू में समझना चाहते हैं तो या हिंदी में, तो आप इसको मेरे चैनल को फॉलो करें और इसको देखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको फिर आप फॉलो कर सकें। ये 16 जो है वो इस तरह भी 16 है और इस तरह भी 16 है। ये खाने आप फंदे जो हैं आपने जिसमें आपने ये डिज़ाइन डालना है। तो ये मैंने अपने अगले प्रोजेक्ट में इसको मैंने इस डिज़ाइन को मैंने इस्तेमाल करना है, इस पैटर्न का इस्तेमाल करना है। तो चलें इसको डालते हैं। ये 16 फंदों में डलेगा और 16 रोज होंगी इसकी। तो चलें बनाते हैं इसको। आप मैं तो बेबी बॉय के लिए, यानी 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे की टॉडलर के लिए बना रही हूँ स्वेटर, तो उसमें ये मैं डालूँगी हाफ स्वेटर में। तो आप इसमें आप जेंट्स में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ के स्वेटर में भी डाल सकते हैं आप। और बड़ा खूबसूरत लगता है, हर कलर में देखेंगे। मैंने बना के रखा है, ये देखें ये ऑफ वाइट एंड रेड में बना के रखा है। ये साथ बॉर्डर बनाया हुआ मैंने, जिस टाइम मैंने बनाना है उसी को मैंने इसी को रिपीट करना मैंने। और एक और कलर में बना के रखा हुआ है, ये देखें ब्लू एंड येलो में, बड़ा खूबसूरत लगता है और बड़ा ये यूनिक सा और बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, विंटेज डिज़ाइन है, ये विंटेज पैटर्न है। तो चलें शुरू करते हैं हम। तो मैंने जो ये 16 फंदों में डलता है, तो मैंने 2 एज स्टिच भी रखे हैं, यानी मैंने 18 फंदे डाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो है वो मैं जो एज स्टिच बनाऊंगी वो बना लेते हैं पहले। अब हमने ये देखें, ये पहली रो है, ये पहली रो है, फर्स्ट रो है, उसके बाद सेकंड रो, ये मैं नंबर लिखा हुआ ये उल्टी तरफ की है, फिर थर्ड रो ये फिर सीधी तरफ की है, ये पूरी ये फोर्थ रो है ये उल्टी तरफ की, ये रॉन्ग साइड की है, ये राइट साइड फिफ्थ रो है सारी, इसी तरह ये 6th रो जो है ये रॉन्ग साइड है। तो इसी हिसाब से ये मैंने नंबर लिखे हैं साइड पर। आप इसी तरह इसको स्क्रीन शॉट ले लें और इसी को फॉलो करें। और ये हम जो है पहली रो जो है वो हम बनाने लगे हैं।
तो पहला जो फंदा है वो रेड है, लेकिन चूँकि मैंने इसमें कि एच स्टिच है तो वो मैंने वाइट बना लिया ऑफ वाइट, और अब मैं ये रेड लगाने लगी हूँ। एक रेड है, उसको हम नॉट दे लेते हैं। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में बना सकते हैं, लेडीज़ में, जेंट्स के, बच्चों के कार्डिगन्स में, इट लुक लवली। एक देखिए फंदा रेड है, उसके बाद दो वाइट हैं। उसके बाद फिर एक रेड है। अब गीला हाथ रखिएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है, जब उसमें डबल नेट होती है वूल की भी, ये वैसे मेरी हैवी डबल नेट है बाली की। अच्छा, एक रेड बना लिया, अब एक रेड बनाया, दो वाइट, एक रेड, एक रेड, ये तो साइड का है, एक रेड, दो वाइट, एक रेड। अब हमने फोर जो हैं वो वाइट बनाने हैं, वन टू, और इसको अब रेड को धागे को आप इसमें ऐसे करके जकिन कर दें, फोर, थ्री और फोर, ये फोर हमने जो है ये बना ली है वाइट। अब एक रेड, हाथ गीला रखिएगा, दो वाइट, एक रेड। अब जो है चार वाइट, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, और ये एज का स्केच है। अब हम नंबर टू बनाएंगे रॉन्ग साइड की रो, तो उसमें हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो हैं वो हमने वाइट बनानी है। ये एज स्टिच, इसको आप ऐसे उतार दी सीधा ही। उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो हैं वाइट बनाएं, वन थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स वाइट हो गए। उसके बाद अपने टू रेड बनाने हैं आपने, ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये नंबर टू जो रोल है रॉन्ग साइड के नंबर इस साइड के हैं और राइट साइड के नंबर इस साइड के हैं। टू रेड बनाने हैं अब हमने, टू रेड बन गए। उसके बाद हमने अब वाइट कितने बनाने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वाइट बनाने, वन टू बना के फिर आप इस जो रेड जो है थ्रेड इसको आप टक इन करें ऐसे, सिक्स आपने वाइट बनाने हैं, छः हो गए, सिक्स दो रेड बनाने हैं आपने। और ये एज स्टिच, इसको आप उल्टा ही बना लें। अच्छा, टू रोज हमारी हो गई। अब हमारी थर्ड रो, यानी हमारी फ्रंट रो है ये, आई मीन राइट रो। तो इसी तरह बनाएंगे हम राइट रो में, आपने एक तो हमारी एच स्टिच होगा, इसको आपने ऐसे उतार लेना है, बुनिए मत, और दो जो है आपने अब एक वाइट बनाना है, और आपने दो रेड बनाने हैं, वन और टू रेड, ये देखें टू रेड। उसके बाद आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वाइट बनाने हैं,
1 2 इसको कैप्टन करें, 3 4 5 और 6, 6 आपके रेड हो वाइट हो गए, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 2 आपके रेड बनाए, 2 रेड बन गए, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 वाइट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये एक एज स्टिच है आपका, उल्टा बना लें इसको। थर्ड रो हमारी कंप्लीट होगी, अब हम रॉन्ग साइड में फोर्थ रो है, इसमें फोर्थ रो में पहले जो है 1 2 3 4 वाइट, ये आपने ऐसे उतार लें इसको एज स्टिच को और 4 बनाए वाइट, 1 2 3 4 ये हमारी रॉन्ग साइड है। अच्छा 4 बना लिए मैं फोर्थ रो में इसमें, और अब 2 रेड बनाने हैं, 1 2 2 रेड बन गए, अब आपने 6 वाइट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 इसके रेड को आप टक इन कर लें, 3 वाइट हो गए, 3 और बनाए 6 हो जाएंगे, 6 वाइट हो गए हमारे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 वाइट हो गए, अब आपने 2 रेड बनाने हैं, 1 2 और उसके बाद आपने 2 वाइट बनाने हैं, 1 और 2, ये 2 वाइट बन गए ये वाले, और ये एज स्टिच आ गए, ठीक है इसको उल्टा बना लें। अब हमारी फिफ्थ रो है जो राइट साइड है, फिफ्थ रो में आपने रेड कितने बनाने हैं, 1 2 3 4, इसको पहले एज स्टिच को तो आप उतार लें ऐसे ऐसे, अब आपने कितने बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 रेड बनाने हैं, ये हमारी फिफ्थ रो है और हमारी ये राइट साइड है, 1 2 3 4, 4 रेड हो गए हमारे, 1 वाइट, 1 वाइट, 2 रेड, 1 2, 1 वाइट, 4 रेड, 1 2 3 4, 1 वाइट, 2 रेड, 1 वाइट, और ये एच स्टिच इसको आप सीधे बनाने हैं, ये उल्टा बनाने हैं इसको, सॉरी, ताकि वो एच सीधा रहे। अब हमारी 6 रो है और ये हमारी रॉन्ग साइड है, एच स्टिच को बना लें ऐसे स्लिप कर लें, उसके बाद 2 रेड आपने बनाने हैं, 1 और 2, 2 रेड बन गए, 2 वाइट बनाए, 1 और 2,
अब आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने रेड बनाने हैं, 1, 2, और ये आप टक इन करें वाइट को, 3, 4, 5 और 6, 6 आपने रेड बना लिए। अब आपने 2 वाइट बनाने हैं, 1, 2, अब आपने 4 रेड बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये एज स्टिच, इसको आप उल्टा बनिए, ठीक है। अब हमारी 7th रो है, ये देखें अब डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एज स्टिच को आप ऐसे उतार लें, ठीक है। तो अब आपने 7th रो में ये हमारी राइट साइड है, तो आपने कितने बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रेड बनाने हैं। इसको ऐसे टक इन करें, 1, 2, 3, इसको फिर टक इन करें, 3, 4 और 5, 5 ये बना लिए रेड, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, 2 वाइट हो गए, ये लें 2 वाइट बन जाएंगे ऐसे, 1 और 2। उसके बाद आपने कितने रेड और बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रेड बनाने हैं, 1, 2, और साथ आपने इसको भी टक इन करें वाइट को, 3, 4, 5, 6, 2 आपने वाइट बनाने हैं, 2 वाइट बन गए, ये देखिए 2 वाइट बन गए। और उसके बाद आपने एक जो आपने एक रेड बनाना है, रेड बन गया, और ये एज स्टिच आपने उल्टा बनाना है, ये हमारी 7th रो थी। अब हमारी 8th रो और रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को ऐसे उतार लें आप, आगे इस तरह अपनी तरफ कर लें धागे को, और 2 जो है वाइट बनाने हैं आपने, 1, 8th रो है और रॉन्ग साइड है, 2 वाइट बना लिए, ये देखें 2 वाइट बना लिए, रेड कितने बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रेड बनाने हैं, 1, 2, साथ इसको भी टक इन करें वाइट धागे को, वाइट थ्रेड को, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए, उसके बाद 2 वाइट, हो गए, आगे फिर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर रेड, 1, 2, वाइट को टक इन करें, 3, 4, 5, 6, 6 और आखिरी ये एच स्टिच उल्टा बनाएं इसको ऐसे, ठीक है। ये हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 9th रो है, विच इज़ द राइट साइड, ये देखिए बनता जा रहा है। अब हम 9th रो है, इसमें आपने 1 पहले रेड बनाना है, ये तो आप एच स्टिच भी उतार लेना, ऐसे ही स्लिप कर लें और 1 रेड बनाएं, ये 1 रेड है ना, ये देखें ये 1 रेड है, रेड बना लें 1, उसके बाद 2 वाइट हैं तो 2 वाइट बना लें, 1, और ढीला हाथ रखें, 2 वाइट हो गए, 1 रेड फिर हो गया, उसके बाद
1, 2, 3, 4 वाइट, 1, 2 उसके बाद फिर टाकिन करें रेड को, 3 और 4, 4 वाइट, फिर एक रेड, फिर 2 वाइट, फिर एक रेड, उसके बाद वाइट कितने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये आखिरी एड स्टिच। ये हमारी 9th रो कंप्लीट होगी, अब हमारी 10th रो है। अब 10th रो में कितने वाइट बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 आपने रेड बनाने हैं, वाइट बनाने हैं। पहले एड स्टिच को उतार लें ऐसे, अब धागा पे रख करके तो जो है वो ये रॉन्ग साइड है तो उल्टे बनाए आप, 6, 3, 4, 5 और 6 6 वाइट हो गए, 2 रेड बनाने हैं, 1 और 2 उसमें, फिर वाइट बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 वाइट बनाने हैं। अब हम 7 रेड को जो है टक इन करेंगे, 3, 4, 5, 6 6 रेड ना वाइट ना लिए, 2 रेड बनाने हैं, 2 रेड बना लिए और ये एड स्टेज है हमारा, ठीक है। अब हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई, 11th रो है अब हमारी, विच इज़ राइट साइड। अच्छा जी, 11th रो में आपने पहला वाइट बनाना है, ये एड स्टिच को आप स्लिप कर लें ऐसे और पहला वाइट बना लें, पहला वाइट बना लिया, फिर 2 रेड, 1, 2 रेड, उसके बाद कितने वाइट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 वाइट हैं, रेड को भी हम टक इन करेंगे, 1, 2 रेड को टक इन कर लें, 5 और 6 6 वाइट हो गए, 2 रेड, 1 और 2 2 रेड हो गए और आगे फिर 1, 2, 3, 4, 5 वाइट, 1, 2, 3, 4, 5 और ये एड स्टिच। हमारी 11th कंप्लीट है, अब 12th जो हमारी रॉन्ग साइड है वो हम ये बनाएंगे। इसमें पहले कितने वाइट, 1, 2, 3, 4 4 वाइट हैं, एज स्टिच को उतारने या स्लिप कर लें, 1, 2, 3 और 4 वाइट हो गए, 4 वाइट, 2 रेड, 1, 2 रेड हो गए, आगे आगे 6 जो हैं वो वाइट बनाए, 1, 2, 3 टक इन करें इसको, 4, 5 और 6 वाइट, 6 वाइट हो गए, आगे 2 रेड, 2 वाइट और एड स्टिच।
अब हमारी 13th रो है। हमारी और उसमें हमने 4 रेड बनाने हैं। तो एट स्टेज को आप स्लिप कर लें ऐसे और आपने 4 रेड बनाए हैं। वाइट को भी टक इन करेंगे, वाइट को टक इन करें, फोर रेड हो गए, एक वाइट, टू रेड, वन वाइट, चार जो है, फोर जो है वो रेड, वन टू थ्री फोर, वन वाइट, टू रेड, और वन वाइट, और आखिरी का एट स्टिच। ये मेरी 9 नंबर की नीडल है और ये डबल निट है। ये देखिए कितना खूबसूरत बनता जा रहा है। अब हमारी 13 रो कम्प्लीट, 14 रो जो है हम करेंगे। इसको उतार लें, स्लिप कर लें, 2 रेड हैं, 1 और 2 रेड, 2 वाइट, 1 और 2 वाइट, और 6 रेड, 1 2, और इसको भी आप टक इन करें वाइट को, 3 4 5 6, 6 हो गया, 2 वाइट, 1 2 2 वाइट, और आगे 4 रेड, 1 2, इसको टक इन करें, 3 4, और आखिरी एट स्टिच। ये हमारी 14th रो होगी। ये हमारी रॉन्ग साइड थी। 15 रो पे जाएंगे जो कि हमारी राइट साइड है। अच्छा, 15 रो जो है इसको पहले स्लिप कर लें एट स्टिच को, और ये आपने 5 बनाने हैं रेड, 1 2, और वाइट को आप साथ टक इन कर लें, 3 4 और 5। 5 जो है हमारे रेड हो गए, और 2 वाइट, 1 2 वाइट, आगे 6 जो है वो रेड, 1 2 3, 1 2 के बाद इसको टक कर लें वाइट को, 3 4, फिर टक इन करें 5 और 6, 6 हमारे हो गए रेड, 2 वाइट, 1 और 2 वाइट, और आखिर में 1 रेड, और आखिरी जो है वो आपका एट स्टिच है। ठीक है, अब हमारी लास्ट रो है, 16th रो है हमारी। तो पहले 2 वाइट बनाएंगे,
स्टिच को स्लिप करके धागा अपनी तरफ दो वाइट बना लें, इसको थोड़ा सा ऐसे कस लें, हल्का सा टू वाइट हो गए। अब आके आपने सिक्स रेड बनाने हैं, वन टू थ्री, इसको टक इन करें वाइट को, फोर फाइव और सिक्स, सिक्स हमारे रेड हो गए, टू वाइट, वन और टू वाइट, उसके बाद फिर सिक्स जो है वो रेड है, वन टू और इन, इसको टक इन करें वाइट को, थ्री फोर फाइव सिक्स और आखिरी एच स्टिच। तो अब हमारा ये पूरा यहाँ वन से लेकर वन सिक्सटीन रो तक ये हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये देखें पूरा हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब फिर दोबारा से अब ऊपर बनाने के लिए आपने दोबारा रो वन से स्टार्ट करना है, ठीक है, रो वन से स्टार्ट करना है। और आपने अगर ये सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन जो है वो आप जितने मर्जी चौड़ा बना लें, बड़ा बना लें, बड़ा बच्चे का बना लें, लेडीज़ का बना लें, जेंट्स का बना लें, तो सिक्सटीन प्लस के ये जो है पूरे फंदे डालें आप और 16 रोज़ में ये कम्प्लीट हो जाता है। तो चलें इसको अब मैं अपने पैटर्न में यूज़ करती हूँ, आप भी बनाइए, इट्स ब्यूटीफुल। ये देखें मुकम्मल होकर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी डबल नेट बाली की ऊन है ऑफ वाइट, और ये जो है ये सर्कुलर नीडल्स हैं मेरी, और ये है 10 नंबर। तो मैं एक साल से लेकर दो साल के बच्चे के लिए, टॉटलर के लिए आधा स्वेटर यानी हाफ स्वेटर, या आप उसको कह लेते हैं हाफ कार्डी बनाने लगी हूँ विदाउट स्लीव्स। उसके लिए मैं खतर जो है वो खाने डालूँगी, खतर फंदे डालूँगी, और उसमें 70 जो हैं वो तो जो हैं वो होंगे उसके बॉर्डर पे होंगे, जो वन जो हम आखिर में बताऊँगी कि उसका क्या यूजेज है, उसका हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम डालते हैं खतर फंदे, ठीक है, आप स्ट्रेट नीडल्स भी यूज़ कर सकती हैं, और जिस तरीके से आपको आपको पसंद है आप वो डाल सकती हैं फंदे। मैं इस तरह कास्ट ऑन करूँगी इस तरीके से, चलिए मैं आपको खतर फंदे डाल के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने 71 मैंने इसमें फंदे डालिए हैं। तो मैं एक सीधी सीधी सिलाई करके इस साइड पे आऊँगी, फिर हम बॉर्डर शुरू करेंगे। सीधी सीधी सिलाई, चलिए मैं बना के फिर मैं सीधी तरफ आती हूँ। ये तो उल्टी तरफ है ना, अब मैं राइट साइड पे आऊँगी। ये देखिए मैंने एक सीधी सिलाई करके रॉन्ग साइड से मैं इधर सीधी तरफ आ गई हूँ, ये हमारी राइट साइड है। तो अब हम 1x1 रिब बनाएंगे, एक यानी एक सीधा और एक उल्टा, जैसे आप बॉर्डर बनाते हैं। एक सीधा और एक उल्टा,
आखिर वक्त आखिर तक यहाँ सीधा उल्टा बनाए, फिर रॉन्ग साइड से सीधा उल्टा बनाए, फिर एक सीधी उल्टी लाइन यहाँ से रिब बनाए, फिर चार यानी आपने रोज़ बनानी है सीधी उल्टी की। तो चले मैं चार रोज़ बना के उसके बाद फिर हमने जो है वो एक दो लाइनें हमने ग्रे की बनानी है, दो लाइनें हमने ग्रे धागे से बनानी हैं, उसके बाद फिर चार जो हैं वो हम वाइट बनाएंगे। तो चलिए मैं पहले चार बना के दिखाती हूँ, आप ही बनाइए। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने चार इसमें उल्टी सीधी की लाइन बना ली हैं, लेकिन चूंकि इसमें हमने पहले सीधी लाइन बनाई थी तो इस लिहाज से अब ये यहाँ पे पांच लाइनें हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पे ग्रे जो है वो ऊन जोड़ेंगे, थोड़ी सी पतली ऊन है लेकिन डजंट मैटर, सूट कर जाएगी ज़रा इससे। कलर मुझे चाहिए था यही, ये मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ तक एंड तक दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं एंड तक पहुँच चुकी हूँ। ये राइट साइड से एक उल्टा सीधा बनाते हुए, तो ये हमारा ये रो ख़त्म होने वाली है। तो अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो इस पे भी जो आपको जैसा नज़र आ रहा है उल्टा सीधा, अब देखेंगे हमें ये उल्टा नज़र आ रहा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। 1:1 ड्रेप है ये, इसको सीधा बनाएंगे, इसको उल्टा बनाएंगे। हमने दो लाइनें ही बनानी है ग्रे की बस, उसके बाद फिर ऑफ वाइट शुरू करेंगे। देखिए ग्रे की दो लाइनें हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब दोबारा ऑफ वाइट बनाएंगे। इसको यहाँ पे नॉट दे लें, ये बाद में हम टक इन कर देंगे। तो ये एक सीधा एक उल्टा बनाना है आपने, जैसे हम बट पीछे ये बनाते चले आ रहे हैं, ये वाला पार्ट हमने बनाया है। लाइट ग्रे है ये, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं ऑफ वाइट के साथ, नेवी ब्लू, मरून, जो भी आपका दिल चाहे। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, इसको मैं चार लाइन बना के देखते हैं इसके, लेकिन मेरी चार लाइन ऊपर बनी है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा जो थी वो सीधी लाइन भी डाली थी, तो हो सकता है हमें पांच छह लाइनें बनानी पड़े। हम चार लाइन पहले बना के देखते हैं। ये व्यूज देखें, ये मैंने इसका बॉर्डर बना लिया है, तो मैंने ये बीच में ग्रे मेटल में ये हमने बनाई है, एक लाइन ग्रे की भी बनाई है। तो ये कुल जो है वो 12 हमारी हो गई हैं रोज। तो अब हम ये डिज़ाइन शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 71 फंदे हैं हमारे यहाँ पे, ऊपर 71 फंदे हैं। तो रेड हम लगाएंगे, ये देखिए रेड थ्रेड हम लगा रहे हैं। तो पहले हम वाइट जो है तीन जो फंदे बुन लेंगे इससे, इस रेड से पहले। अब हम ये पहली रो बनाने लगे हैं, 1, 2, 3, उसके बाद अब रेड लगाएंगे। रेड को आप ऐसे एक बुन लें, साथ ही इसको आप नॉट दे लें। उसके बाद दो वाइट बनाने हैं आपने, दो वाइट बना लें।
उसके बाद फिर एक ब्रेड बनाई, उसके बाद फिर आपने फोर वाइट बनानी है, वन टू बनाने के बाद अब रेड रेड को अब थ्रेड को टक कर लें इस तरह, थ्री और फोर, फोर हमने बनाने थे बना लिए, ये देखिए फोर। अब वाइट जो है रेड जो है वो हम एक रेड बनाएंगे, उसके बाद फिर आप दो वाइट बनाएं, वन टू, उसके बाद एक रेड बनाएं, उसके बाद फिर आपने फोर बनाने, वन टू थ्री और फोर, ये देखें आप इन तीन को तो आप ये साइड के हैं, तो ये वन हो गया, फिर दो वाइट हो गए, वन एक रेड हो गया, दो वाइट हो गए, फिर रेड हो गया, फिर फोर वाइट हो गए, फोर ये देखो वाइट हो गए, फिर एक रेड हो गया, फिर दो वाइट हो गए, फिर एक रेड हो गया, फिर फोर हो गया। अब हम रिपीट करेंगे, अब ये हमारी फर्स्ट रो है, अब हम सेकंड रो, ये नंबर जो है ये इस साइड पे जो नंबर है सारे वो हमारे रॉन्ग साइड के हैं, और ये जो नंबर हैं हमारे राइट साइड के हैं। अब हम नंबर टू रो बनाएंगे, यानी रॉन्ग साइड से बनाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया है, देखें अब मैं यहाँ से बॉर्डर से लेके ऊपर तक मैं इसको 9 इंचेस बनाऊँगी, तो उसके बाद फिर हम जो है वो आम होल की कटिंग करेंगे, ठीक है। 9 इंचेस बनाए आप भी और मैं भी, हमारा ये 9 इंच जो है बन के तैयार हो गया है, और हमारे इस पर 71 फंदे हैं ऊपर, और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 9 इंच बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब हम इसके ना वो कटिंग करेंगे आर्म होल कटिंग, और साथ साथ हम ये डिज़ाइन भी बनाते जाएंगे। तो आर्म होल कटिंग करते हैं, पहले हम तीन जो हैं वो फंदे जो हैं वो घटाएंगे, तीन जो फंदे वो घटाएंगे, एक दो तीन जो है फंदे हम घटा देंगे, एक एक घट गया, साथ इसको भी आप कर लें ताकि दो घट गए और ये तीन घट गए, ठीक है, तीन हमने घटा दिए। तो अब जो हमारा डिज़ाइन है हम उसके मुताबिक चलेंगे, तो अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं, यानी अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, तो अब तीन हमने यहाँ से घटाने हैं, वन टू और थ्री, तीन हमने घटा लिया। तो ये अब ये बाकी जो है ये डिज़ाइन जो मुकम्मल कर रहे हैं, मुकम्मल करके फिर हम इस साइड पे आएंगे, फिर हम यहाँ से दो घटाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने हमने पहले जो हमने तीन ये घटाए हैं और तीन हमने यहाँ से घटाए थे, ये देखें। तो अब हमने दो दो घटाने, दो यहाँ से घटाने, दो यहाँ से घटाने, तो इसको घटाते हैं हम, साथ ही इसको भी टक कर लें, वन
1 2 घटा ली, ठीक है। तो अब बाकी जो हैं आपने वाइट बनाने हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक, जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। तो अब दो यहाँ से हमने, पहले 3 यहाँ से कम किए, फिर 3 कम किए, फिर अब मैंने ये राइट साइड से 2 कम किए हैं। अब लेफ्ट साइड, ये रॉन्ग साइड से भी मैं 2 जो है वो डिक्रीज करूँगी। 1 डिक्रीज हो गया है और दूसरा डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब ये मैं डिज़ाइन के मुताबिक चलूँगी और ये मैं पूरी रो बना के आपको, फिर मैं फ्रंट साइड पे मैं आपको आके, फिर राइट साइड पे आके आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब हमने 3 पहले यहाँ से घटाए, फिर 2 घटाए, फिर उसके बाद यहाँ से भी 3 और 2 घटाए, यानी 5 यहाँ से घट गए, एक और घटाएंगे यहाँ पे, यानी 6 यहाँ से घट जाएंगे और 6 यहाँ से घट जाएंगे, कुल 12 घट गए हैं। ये देखें, 1, ये देखें, अब हमारे 6 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी मैं ये डिज़ाइन मुकम्मल करके यहाँ पर एंड तक पहुँचती हूँ, फिर रॉन्ग साइड से हम इसको 1 घटाएंगे यहाँ से। ये देखिए रॉन्ग साइड पे मैं आ गई हूँ, अब यहाँ से भी 1 हम कम करेंगे। अब हमारे यहाँ से भी 6 जो हैं वो कम हो गए हैं, देखें 6 हमारे यहाँ से भी कम हो गए हैं, और इसी तरह 6 जो हैं वो हमारे यहाँ से कम हो गए, ठीक है। तो अब ये मैं लाइन मुकम्मल करके, ये रो मुकम्मल करके इसी तरफ आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इसका कटिंग कर ली है आर्म होल की दोनों तरफ से, 6 फंदे हमें घटा लिए हैं, 3, 2 और 1। अब हम इसका वी का कटिंग करेंगे। हमने दोनों, हमने फंदों को हाफ ऑफ कर लिया है, तो 29 यहाँ पे हैं, 29 यहाँ पे हैं, और ये जो फंदा है बीच में हमारा एक्स्ट्रा जो है वो हमने रखा था, ये है वो, उसमें मैंने ये मार्कर लगा दिया है। अब हम ये जो 29 फंदे हैं इनको हमने घटाना है ऊपर, हर जो है वो तीसरी रो पे हमने घटाना है, ठीक है। तो अब हम घटाते हैं इसको, बाकी दूसरे वाले शोल्डर के मैंने फंदे इसमें स्टिच होल्डर पे डाल लिए हैं मैंने। तो 1 हमने फंदा घटाना है, तो बाकी ये जो है रो डिज़ाइन के मुताबिक बनानी है। ये देखिए मैंने सीधी तरफ से भी मैं बना लिया है, यहाँ से हमने घटाया था उल्टी तरफ से 1 फंदा वी बनाने के लिए, फिर हमने पूरी सिलाई की, उसके बाद हमने ये भी पूरी फ्रंट लाइन की सिलाई की है। अब हम फिर, ये हमारी तीसरी रो है और इसको हम 1 और घटाएंगे। ये देखें ये हमने घटा लिया 1, अब बाकी हम डिज़ाइन के मुताबिक ये बनाएंगे हम। तो ये मैं उल्टी साइड से और उल्टी सीधी साइड से बना के फिर उल्टी साइड पर दोबारा आती हूँ। ये देखिए व्यूज, मैंने इसकी तरफ से भी कंप्लीट कर लिया है, अब मैं उल्टी तरफ से इसको घटाऊँगी, 1 फंदा घटाऊँगी। ये देखिए 1 फंदा हमने और घटा लिया, अभी तक हमारे 3 फंदे घट चुके हैं, हमने 3 फंदे डिक्रीज कर लिए हैं। तो अब डिज़ाइन के मुताबिक मैं ये बाकी 2 सिलाइयाँ मैं अपनी 2 रोज में कंप्लीट करती हूँ। तो इसी तरह हमने घटाते घटाते यहाँ ऊपर शोल्डर पर जब 12 रह जाए पर हमने बंद कर देना है। तो चलिए मैं आपको ये वाला शोल्डर बना के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसका जो है वो वी का जो है वो लेंथ में पूरी कर दी है मैंने,
और अब हम देखते हैं कि हाँ शोल्डर से इसकी लेंथ कितनी है। तो जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था ना, हमने यहाँ से घटाना शुरू किया था, यहाँ से ये बनती है 5.5। 5.5 बन गई है, दैट्स परफेक्ट। और हमने यहाँ पे जो हाथ तीसरी सिलाई पे जो घटाया है वो 13 मरतबा घटाया, और पहले मैंने 12 बताया था, लेकिन 14 जो हैं वो शोल्डर पे हम फंदे रखेंगे। ठीक है, अब हम आपको ये दूसरा बनाने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये यहाँ से घटना शुरू होगा फ्रॉम राइट साइड, ये हमने रॉन्ग साइड से घटाया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको फिर। अच्छा, ये मैंने धागे इसमें जान अटैच कर लिए मैंने, तो अब हम इनको यहाँ से घटाना शुरू करते हैं। तो ये हमने सिलाई पूरी कर ली थी और हम रॉन्ग साइड से फिर हमने इसको घटाया था, तो हम ये यहाँ से ही घटाएँगे, ऊपर जाके फिर यहाँ पे एक फालतू सिलाई कर लेंगे। ठीक है, तो वो फिर आपकी लंबाई पूरी हो जाएगी। तो घटाते हैं पहले, साथ साथ डिज़ाइन भी बनाते चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम पीछे से घटाएँगे ऐसे करके। दो कैक करेंगे, ये रो ये वाली जो है, और फिर उल्टी वाली जो रो जो बना के फिर मैं इस साइड पे आती हूँ, फिर हम अगेन हम यहाँ पे एक काम करेंगे। मैं फिर राइट साइड पे आ गई हूँ, अब हमने फिर एक जो है वो हमें डिक्रीज करना है, तो हम दो कैक करेंगे पीछे की साइड से ऐसे। हमारे दो डिक्रीज हो गए, एक ये डिक्रीज हो गया और एक ये हम अभी डिक्रीज किया। ठीक है, अब हम बाकी डिज़ाइन बनाएंगे, जो हमारा पैटर्न है जैसे चलता आ रहा है ये बनाएंगे। तो ये जो है इस तरह हमने डिक्रीज करते करते ऊपर जब तक 14 शोल्डर पर ना रह जाएं हमने डिक्रीज करते रहना है। ठीक है, तो चलिए मैं बनाती हूँ फिर, जब ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ना यहाँ तक 13 डिक्रीज करेंगे हम यहाँ पे, 13 जो है वो फंदे कम करेंगे और ऊपर 14 रह जाएंगे, 14 रह जाएंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे, फिर पीछे वाला हिस्सा पार्ट बनाएंगे। इसकी जो है ये मैं बना के फिर दिखाती हूँ आऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों जो है वो पोर्शन बना लिए हैं, ये वाला भी बना लिया, पहले ये बनाया था फिर लेफ्ट वाला बनाया है। तो ये जो है हमने पहले कहा था कि हमने एक सिलाई फालतू करेंगे, तो मैं उल्टी तरफ से एक सिलाई फालतू करके इधर आ गया। अब इन दोनों की लेंथ बराबर है, 32-32 सिलाइयाँ हैं, इधर भी इधर भी। अब ये आप ये देखें ना, ये देखें 1 2 3, अब यहाँ से कहने 1, ये इसके बाद जो डिज़ाइन है ना वो 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 बराबर है, ये सिर्फ एक सिलाई फालतू है। अच्छा, अब हमने ये बना लिया है, देखें आप पूरा हम ये हमने बना लिया है, ये 1 से 2 साल 2.5 साल तक बच्चे को आराम से आ सकता है ये। तो अब हम इसका बैक साइड बनाते हैं, ये इसी तरह बॉर्डर बनाया है मैंने, ये सही 13 सिलाइयाँ थी, इस तरह बनाया ये भी बॉर्डर। तो अब हम ये इसको स्टॉक नेट स्टिचिंग बनाएंगे, यानी सीधी तरफ से सीधी सिलाई, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको, इसी तरह बिल्कुल इसी एग्जैक्टली इसी तरीके से कर ये बनाना है आपने, 9 इंचज़ तक यहाँ बनाना है, उसके बाद फिर आपने इसकी कटिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने 5.5 तक भी बनाना है, बल्कि आप 5.5 तक बनाएं, उसके बाद फिर हम इसके पीछे से गले की इसकी कटाई करेंगे। ठीक है, वो मैं दिखाती हूँ, चले वहाँ तक बनाते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बॉर्डर बना लिया है,
तो मैंने अब इस ये बैक साइड को इसका जो डिज़ाइन ये बनाया था कि हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ ये तो थ्रो से ये लूज लूज सा बनता है किसी वक्त। तो हम ये सोचे थे कि पीछे में जो है यहाँ पे मैं 5 फंदे बनाऊंगी और एक उल्टा बनाऊंगी, फिर मैं 14 फंदे बनाऊंगी, एक उल्टा बनाऊंगी, फिर 14 फंदे, फिर एक उल्टा, फिर 14 फंदे, फिर एक उल्टा, फिर 14 फंदे और एक उल्टा, आखिर में जो है वो 4 या 5 बचेंगे वो उस तरह करते। इस तरह ये तरह ये दोनों के साइज़ बराबर हो जाएगा, पीछे जो है वो तंग नहीं होगा, बराबर होगा इसके बराबर, अगले वाले पीस के बराबर। तो चलें बनाते हैं। लेकिन ये वीयर से मेरा कटिंग जो है मुकम्मल हो गई है, ये देखिए आर्म्स की, आर्म होल की कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ से भी हमने 6 यहाँ से घटाए, 6 यहाँ से घटाए हैं। तो अब ऊपर जाके 5 इंच आपने बनाना है, 5 इंच बनाना है, उसके बाद फिर हम गले की कटिंग करेंगे, पीछे वाली गले की कटिंग। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीछे वाला जो पार्ट है बना लिया है, और ये इसकी हमने कटाई तो देखें ऊपर मैंने शोल्डर की कितनी लंबाई पूरी की है। मैंने 5 इंच करनी थी क्योंकि मैंने फिर आगे गला भी घटाना है। ये देखिए 5 इंच मुकम्मल हो गई है। तो अब हम गला घटाएंगे, तो 14 हम इधर रखेंगे, 14 इधर रखेंगे, 2 इसके अलावा एक्स्ट्रा यहाँ पे बुनेंगे, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे बुनेंगे, और बीच वाले सारे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। वो 2 जो है मैं बाद में बताऊँगी कैसे यूज़ होंगे वो। ये 14 मैं बुन लेती हूँ। प्रोटीन बुन लिए। अच्छा, अब हमने 2 एक्स्ट्रा बुनने हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा बुनेंगे। अब हमने ये बीच वाले 2 सारे बंद करने, यहाँ भी हम 16 छोड़ेंगे नहीं, 14 प्लस 2। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8, ठीक है। अब हम ये 16 अब इनको हम बोल लेते हैं। अब हम फिर दोबारा पलट जाएंगे, और ये जो हमारे 2 हैं ना, 1 2, इनको हम घटाएंगे। और हमने यहाँ पे 14 रखे हुए, जो फ्रंट पार्ट है 14 ही हमें रखे हुए, तो हम 2 जो हैं वो 1 2 घटाएं ऐसे, और 1 घट गया और दूसरा, ये 2 इसलिए हमने एक्स्ट्रा रखे थे। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14, ठीक है। तो इसको हम बोल लेते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा ये बनाएंगे, इसको भी बनाते हैं इसी तरह। और इसके हमने ये तो चूँकि हमने सिलाई पूरी करके फिर हमने ये बनाई, फिर ये बनाया, तो अब हम धागा यहाँ जोड़ेंगे, उल्टी साइड से हम इसको घटाएंगे। 2 हमने बस यहाँ घटाने हैं। देखें अब हमने ये धागा यहाँ पे बांध लिया है,
हमने अटैच कर लिए। अब हम दो जो है खड्डे ऐसे घटाएंगे यहाँ से, और ये पूरी सिलाई जो है ये हम उल्टी बनाएंगे। इसको आप फोल्ड कर दिया है अंदर, इस तरह टक करते जाए। ये दो यहाँ से घट गए, बीच में हमने बंद कर दिए, दो यहाँ से घट गए। अब ये देखिए धागे इस साइड पे ना, इसका मतलब है ये भी हमें सिलाई करके एक साइड पे आना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि ये हमने सिलाई में पूरी दोनों बराबर हैं, यहाँ से भी वहाँ से भी। अब हमारा ये पीछे वाला पोर्शन तैयार है, ये देखें इस तरह, और ये हमने ये सिलाई भी मुकम्मल कर दी है। अब हम इसको इसके साथ जो हमारा फ्रंट वाला था ये, इसके साथ हम एक शोल्डर को जोड़ेंगे, एक शोल्डर को हम जोड़ के दिखा देते हैं ये वाला, ठीक है ऐसे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने दोनों जो पार्ट्स हैं वो पीछे रखी हैं, और दोनों का जो राइट साइड वो अंदर की तरफ है। ये देखें ये लेफ्ट साइड है इसका, और ये भी लेफ्ट साइड है। तो अब हम एक शोल्डर जोड़ेंगे और एक हम ऐसे रहने देंगे, क्योंकि हमने वी बनाने के बाद इसको जोड़ेंगे। तो ये जो रेड धागा है इसको हम बाद में इसके अंदर टक इन कर देंगे। तो एक हम फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा वहाँ से लेंगे, और फिर दो का ही करते जाएंगे, ठीक है। ये आपको बंद करने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा एक बार देख लें आप। स्लिप कर दें इस तरह ऊपर से, एक वहाँ एक यहाँ से लें फ्रंट से, एक पीछे से लें, और दोनों का फिर ऊपर से स्लिप कर दें ऐसे। फिर एक यहाँ से लें, एक यहाँ से लें, दोनों का पहले एक करें ऐसे, फिर ये पीछे वाले से पीछे वाले को आगे वाले पे ऐसे स्लिप कर दें। इसी तरह आप ये सारा शोल्डर जो है वो बंद करना है। ये देखें बंद कर दिए है, ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। ये देखें सुथरे तरीके से बंद हो गया। अब हम जो है वो पीछे से फंदे उठाते हुए, यहाँ से फंदे उठाते हुए, और फिर यहाँ से इसको इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर बनाएंगे। चलिए फंदे उठाते हैं इसके, यहाँ मैं धागा लगाती हूँ, जान को लगाती हूँ यहाँ पर। अब हम यहाँ से फंदे पीछे से उठाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से 30 फंदे उठाएं, देखते हैं आप कितने उठाते हैं हम। देखिए मैं इसके आखिर तक पहुँच गई हूँ, बस एक फंदा उठाएंगे तो हमारे 30 मुकम्मल हो जाएंगे। पैटर्न डला होना तो इसके जो फंदे होते हैं थोड़े लूज़ होते हैं, तो उनमें आपको होल ज़्यादा नज़र आने की होता है चांस, इसलिए नज़दीक से उठाएँ। ये देखें होल आ गया इसका, तो नीचे से उठा लेते हैं।
जितने यहाँ से उठाएंगे उतने ही वहाँ इस जगह से भी उठाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ तक उठा के देखती हूँ कितने फंदे, फिर मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आगे की तरह ये 35 जो हैं ये मैंने उठा लिए हैं। इसी तरह यहाँ से 35 उठा लेती हूँ। तो चलिए आप इनका बॉर्डर बनाते हैं 1x1 रिब, यानी एक उल्टा और एक सीधा। पूरी आपने ये रिब बनाई यहाँ तक बनाई, सीधा एक उल्टे की। ये बैक साइड पे हूँ, इस तरह बनाते बनाते जब मैं यहाँ तक पहुँचूँगी ना, फिर मैं आपको आई विल मीट यू देयर। यहाँ इसी तरह आप भी सारा ये बनाएं। ये बैक साइड से बनाने के बाद फिर आपने ये फ्रंट साइड से ये वाला बनाना है आपने, ये वाला पार्ट। फिर मैं आपको एक दो ये बना के दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो हमने जो बॉर्डर था ये नीचे वाला भी हमने 10 नंबर की लाइन में बनाया था, ऊपर से हमने 9 नंबर लगा लिया था। तो अब हम मैं ये बॉर्डर भी 9 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ। ये 9 नंबर की सिलाई है मेरी, ये देखिए हमने फंदे उठाए थे 9 नंबर से, और ये जो हम बना रहे हैं 10 नंबर है। इसको आप फंदे, आखिरी फंदे को जो आपने बुना था इसको आप इस पे डाल लें और इकट्ठा इनको उल्टा बुन लें ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो फंदा है इसको ऐसे उतारें और इस लेफ्ट नीडल पे ले लें ऐसे, ठीक है। और इसको अब आपने दोनों कैसे ले के इसको ऊपर से उतार, इसको फ्रंट से आपने ऐसे उतार लेना है। और अब ये जो फंदा है, ये जो वाइट है, आपने इसके ऊपर ये मार्कर लगा लेना है, क्योंकि हर दफ़ा इसने सामने फ्रंट पे आना है। धागे पीछे ले जाए, उल्टा बुना था अब आप सीधा बनाए, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं हमारी रॉन्ग साइड पे। तो आप ये सारी सिलाई जो है उल्टी सीधी जो है सीधे पे सीधा उल्टे उल्टा करते हुए आपकी पूरा सिलाई यहाँ तक आए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। फिर हम बनाएंगे दोबारा, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उसको वो वाला जो है सारा जो हमने अब किया था वही तरीका दोबारा करेंगे। चलिए मैं आखिरी फंदे तक आ गई हूँ। तो एक ये जो फंदा है इसको आखिरी फंदा रहता है अभी ये वाला, तो इसको और इसको हम उल्टा बनाएंगे, क्योंकि अगला फिर सीधा है। इसको हम दोनों को उल्टा बनाएंगे, दो का एक करेंगे ऐसे। ये आपने ध्यान रखना है कि अगला जो है फंदा वो अगर सीधा है तो आपने दो इसको उल्टा जो है वो दो का एक करना है, और अगर उल्टा है तो आपने इसको सीधा दो का एक करना है। अच्छा, अब हमने ये जो फंदा है ये जो इसमें हमने डाला हुआ पिन में, इसमें इसको आपने लेफ्ट नीडल पे ले लेना है, और दोनों को आपने इस नीडल पे लेके तो इस जो उतारा है आपने उसको आप इसके ऊपर से ऐसे कर दें, और फिर इसको आप ऐसे ले लें।
इसको बोलने ऐसे, इसको लेके आपने इसमें डाल लेना है, दोबारा पिन में डालने का कस लें इसको। और अब आपने सामने के अगले वाला हिस्सा पोर्शन बनाना है आपने, सीधा इसको आप बना सीधा, और ये फिर एक उल्टा है। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पहुंच गए हैं दोबारा, तो अब आपको मैं दिखाऊँ कि करना क्या है। इस ये जो फली वाला फंदा है इसको आप ऐसे फ्री करें और इसको इस पे ले लें ऐसे करके। अब आपने क्या करना है कि ये तीन फंदे, इस वाले फंदे को भी ले लें आप, आखिरी फंदे को भी लेफ्ट साइड पे ले लें, लेफ्ट नीडल पर, और आपने तीनों को इकट्ठा बैक लूप से बुनना है। ये देखें बैक लूप से तीनों इकट्ठा बुन के ऐसे, और यहाँ पे आप ये एक फिर दोबारा मार्कर लगा दें इसको। अगला जो है वो आप बुने ऐसे, जिस तरह बुनते हैं आप उल्टा कि सारा बॉर्डर बनाएं, यहाँ तक बना के फिर रॉन्ग साइड से बना के फिर मैं आपको इस पॉइंट पे आती हूँ। अच्छा व्यू से देखें, मैंने पीछे भी बॉर्डर में और अगले बॉर्डर में ग्रे लाइन डाली है, तो अब हम इसमें वी में भी गले में भी ग्रे जो है वो धागा इस्तेमाल करेंगे। दो लाइनें इसकी बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी। चलिए मैं इसको बनाते बनाते इस पॉइंट तक आती हूँ। जी अब देखिए मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ, तो ये फंदा जो है ये बीच वाला, इसको उतार लें, और ये उल्टा आया है फंदा इस तरफ, तीनों जो हैं वो हम बैक साइड से हमने इनका तीनों को एक करना है। तीनों को उल्टा कर लें, और इसको फिर आप इसमें मार्क लगा लेंगे। अब आपने धागा अपनी तरफ करके, तो आपने बीच वाला जो है फंदा इसको तो आपने इसमें डालें, और ये इन दोनों को आपने, दोनों उल्टे हैं इनको आपने एक दो का एक करना है। दो का क्या लिया, अब आपने इसको लेफ्ट मिडिल पे लेना है, और इसको भी लेफ्ट मिडिल पे लेना है, और इसको ऊपर से ऐसे गुजार देना है। अब आगे आप नॉर्मली से आपने ये बुनना है, आप बुने उल्टी सिलाई भी आपने ग्रे करके फिर दोहराएं।
बार फिर हम वाइट लगाएंगे। देखिए हम दोबारा इसी पॉइंट पे आ गए हैं, तो अब ये बीच में ये फंदे है, इधर भी उल्टा है, तो हम इसको तो फंदे को उतारेंगे नीचे। और ये उल्टा और ये उल्टा जो है, देखें दोनों, इनको हम दोनों को इकट्ठा बोल लेंगे, दो कैक करेंगे ऐसे कस के कीजिए। और ये जो फंदा है इसको लेफ्ट इस पर ले लें, इस फंदे को जो अभी आपने बुना है इसको भी आप लेफ्ट पे ले लें और इस फंदे को उसके ऊपर से उतार लें ऐसे, कस लें ज़रा। और आगे देखिए सीधा आ रहा है, इसको सीधा बुन लें और पूरा इसी तरह आप बुनते हुए उल्टा उल्टी सिलाई जो है, जो हमारी रॉन्ग साइड है वो भी आप बुनते हुए उल्टा सीधा फिर फ्रंट साइड पे आइए। इस पॉइंट उल्टे को उल्टा बनाएं और सीधे को सीधा बनाएं और बाइंड ऑफ करते चले जाएं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इसका वी कितना तैयार है, देखिए कितना अच्छा बना है। और ये एक साइड से मैंने ये इसकी जो है आर्म होल आस्तीन भी बना ली है, इसकी आर्म बना ली है। और एक साइड से मैंने इसको सी भी लिया है, ये देखिए एक साइड से मैंने सी के लिया है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ से हमने फंदे कैसे उठाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से उठाए 35, मैंने यहाँ तक उठाए मिडल तक, उसके बाद 35 यहाँ से उठाए, तो उसके बाद फिर मैंने इसको एक सीधा एक उल्टा यानी 1:1 जो रिब बनाया है। और जिस तरह के डिज़ाइन में ग्रे जो है वो धागा डाला अपने, इसमें ग्रे वूल इस्तेमाल हुई और इसमें भी ग्रे, तो अब इसमें भी हम करेंगे। तो चलिए हम उसको उठाते हैं, इसको धागा साथ इसके लगाते हैं, यहाँ पे वूल अटैच करते हैं। और मैंने ये सारे जो बॉर्डर्स हैं ये 10 नंबर बनाए हैं मैंने। तीन आपने पहले जो आपने बंद किए थे ना, तीन यहाँ पे तीन बंद किए, फिर दो बंद किए, वहाँ से उठाएं आप, वहाँ ही आप धागा जो अटैच कर लें। अब 35 यहाँ से उठाएंगे, ए यहाँ तक शोल्डर तक, 35 यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे। ऐसी जो जो ये आपको चेन नज़र आ रही है ना, इसके जो पार्ट है दो पार्ट होते हैं ऐसे, ये वाला पार्ट जो है इस साइड वाला, वहाँ से आप नीडल लेके जाएं ऐसे और सीधा बनाते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से भी 35 उठा लिए हैं। तो अब हम इनका 2:1 जो 1:1 जो है रिब जो बनाएंगे, यानी एक उल्टा एक सीधा, ठीक है। ये एक उल्टा और एक सीधी की चार लाइनें बनाएं आप, चार रोज बनाएं। उसके बाद फिर हम दो ग्रे की बनाएंगे, जिसमें ये दो ग्रे की बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग तीन बना के तो फोर्थ पे हम इसको बंद कर देंगे। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ फोर लाइनें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीन लाइनें बना दी हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 और तीसरी ये जो है नीडल के ऊपर है। तो अब हम पलट जाएंगे और अब हमने ये फोर्थ हमारी रो है ऑफ वाइट की ऊपर, तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। इसे बाइंड ऑफ करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, इसको सीधा आपने बुन लिया और ये उल्टा जो है आप इसको उल्टा बुने ऐसे, यानी आपने और धागे पीछे करके आप इसको स्लिप कर दें ऐसे, ये सीधा बनाएं ऐसे, फिर ये उल्टे की बारी है, उल्टा सीधा बनाएं और इसको आप स्लिप कर दें,
फिर उल्टा बनाएं और इसको स्लिप कर दें। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको यहाँ से ये सारा यहाँ पे स्टिच करके दिखाती हूँ सारा। तो इसको आप ऐसे रख के इसकी बेल वाले जो है आपका फंदा इसमें से डालें ऐसे। ये दोबारा डाल लें वैसा। आपको मैंने तरीका बताया वैसा है। यहाँ से जैसे एक मीटर को लेके जाएं, फिर यहाँ से लेके जाएं ऑपोजिट साइड से। ये देखिए ये ग्रे को बराबर आना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये कार्डिगन बन के तैयार है। हमारा हाफ स्लीव स्वेटर बन के तैयार है। कितना अच्छा देखें इसका फिनिश लुक आई है। और बैक साइड से भी ऐसा है। बैक साइड से ऐसा है ये और फ्रंट साइड से जो है वो ऐसा है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये ज़रूर बनाइए। इसको और फिर मुझे आप प्लीज़ पिक्स भेजें कि आपने बनाया है मुकम्मल, तो फिर कैसा वो बना है उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। थैंक यू।